नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनपद हापुड़ पुलिस ने तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में होली के पर्व पर कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने तीर्थ नगरी के गंगा किनारे खादर क्षेत्र में ड्रोन की मदद से छापेमारी कर करीब 1000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया। इसके साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। वहीं हापुड़ के SP अभिषेक वर्मा ने बताया कि होली का त्यौहार पर लगातार नजर रखे हुए थे। खादर क्षेत्र जो हमारे यहाँ बदनाम है, जहाँ पर शराब बनाई जाती है, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्विलांस किया और उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। खादर क्षेत्र में ऐसे कई खेत हैं जहां पर कच्ची शराब दफना करके रखी गई है। उसी को दृष्टिगत CO गढ़मुक्तेश्वर उनकी टीम ने अच्छी कार्यवाही करते हुए खादर क्षेत्र में जाकर नदी को पार करके लगभग 1000 लीटर से ऊपर शराब नष्ट किया गया और जो शराब से कुछ बरामद किया गया है, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। विशेष तौर पर इसमें ध्यान देना होगा कि पुलिस उस नदी को तैर कर पार करके गई है और दूसरी तरफ टापू के पास जाकर के सारी बरामदगी की है। देखिए आरिफ खान की रिपोर्ट।